Section 24 of Chapter 6 of POCSO Act deals with the procedure for recording of the statement of the child. जब भी बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना होता है तो इसमें हमेशा उसके जो घर है एट हिज रेजिडेंस वहाँ पर या फिर जहाँ पे वेयर ही यूजली रिसाइड वहाँ पर या फिर एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस वहाँ पर हम उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर जब रिकॉर्डिंग करते हुए हमेशा उसके पेरेंट्स के या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है उसकी प्रेजेंस में ही रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि उसके लिए कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट बना सके। और अगर मान लीजिए उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं या फिर इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकते हैं जिसकी कुछ एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और उसकी फीस के रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट या किसी कोर्ट ने रूल्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अगर बच्चा जो है वो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है या कोई और डिसेबिलिटी है फिजिकल मेंटल तो हम स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं जो कि उसकी लैंग्वेज को समझ सके या फिर कोई और ऐसा पर्सन है जो कि उसकी लैंग्वेज को समझता हो और जो बता सकता हो कि क्या है। तो ये आता है सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 24 में ये है कि जब पुलिस उसके बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाती है तो वो ड्रेस में नहीं होनी चाहिए। और बच्चा जब भी इन्वेस्टिगेशन, ये तो रूल हमने पढ़ा है कि चाहे इन्वेस्टिगेशन हो चाहे ट्रायल हो जो बच्चा है वो कभी भी एक्यूज्ड के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, उनके बीच में एक स्क्रीन होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए, सिंगल विजिबिलिटी मिरर या कोई और टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा लीजिए, कुछ इस तरीके से करवा लीजिए कि जो बच्चा है वाइल गिविंग एविडेंस वो उसके कॉन्टैक्ट में ना आए, उसको देख ना सके। पर यह है कि जो एक्यूज्ड है वो उसको देख सकता है कि उसकी पूरा राइट है कि वो सुने कि वो उस क्या बोल रहा है। तो ये सेक्शन 24 के अंदर ही मेंशन है। सेक्शन 24 में लिखा है कि बच्चे को कभी भी रात के टाइम आप कभी भी थाने में पुलिस स्टेशन के अंदर कभी भी आप उसको इम्प्रिजन को रोकेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए कि कोई जो पुलिस ऑफिसर है उसको इन्वेस्टिगेशन के टाइम में भी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए और ट्रायल के टाइम में भी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। फिर सेक्शन 25 आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि उस बच्चे के बयान करवाए जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164 तो 164 के बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि CRPC में होते हैं। पर यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसका जो एडवोकेट है उसका प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर जब सब कुछ बयान वगैरह हो जाते हैं तो 207 की प्रोसीडिंग्स करके मजिस्ट्रेट क्या करता है, बच्चे को एक्यूज जो विक्टिम है उसको पूरी कॉपीज प्रोवाइड करता है जो उसमें 164 के बयान की कॉपी भी होती है। फिर सेक्शन 26 है वो ये बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट है या जो पुलिस ऑफिसर है अगर वो पेरेंट्स के सामने ही रिकॉर्ड करेगा, ट्रांसलेटर की हेल्प लेगा और स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेगा और ऑडियो की कोई और टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प ले सकता है। ये सेक्शन 26 में मेंशन है कि एविडेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 27 कहता है कि अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है बच्चे का तो वो बच्चे का अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो हमेशा वुमेन डॉक्टर के थ्रू ही होगी। अदरवाइज चाहे यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि चाहे FIR चाहे कंप्लेंट लॉज हुई है चाहे नहीं हुई है उसके बावजूद भी बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और हमेशा किसके जो भी पेरेंट्स हैं या जिस पर्सन के ऊपर वो ट्रस्ट करता है उसके प्रेजेंस में होगा। पर मान लीजिए वो कोई भी नहीं है तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, वो कोई नॉमिनेट कर सकती है जो हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हो रहा है उसका जो हेड है, जैसे CMO है अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो उसका जो CMO है वो किसी वुमेन को नॉमिनेट कर देता है कि वो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी।